गुड मॉर्निंग फ्रॉम धोलावीरा। तो रात को हम 12:30 बजे धोलावीरा पहुंचे और पूरी नाइट राइड की है हमने। ये मेरे पीछे देखिए रन लेक, और अभी मैं हूँ धोलावीरा में जैसे मैंने आपको बताया। और ये देखिए साल्ट, ये देखिए पूरा, ये पूरा नमक है, और ये पूरी नमकीन झील है, पूरी नमकीन झील है। ये देखिए पूरी वाइट हो जाती है, रात को आप यहाँ से निकलेंगे एकदम चांदी जैसी चमकती है ये झील। और दोनों तरफ झील है क्योंकि धोलावीरा एक आइलैंड के रूप में आप देख सकते हैं। आप गूगल मैप करेंगे तो आपको धोलावीरा एक आइलैंड अलग से ही नज़र आएगा। और ख़ास बात यह है कि जो पाकिस्तान है वहाँ से धोलावीरा से 60 किलोमीटर रह जाता है जस्ट। तो BSF पेट्रोलिंग करती है इस एरिया की। और ये पीछे देखिए फ्लेमिंग, वो ये उड़ते आ रहे हैं भैया, देखिए ये जा रहे हैं, ये गए। और ये सनराइज हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ आपको पीछे, ये देखिए मेरे पीछे सनराइज हो चुका है, ये तो अभी मैंने टाइमिंग दिखाया आपको। और ये बहुत ही शानदार नज़ारा, मज़ा आ गया यार। तो अब चलते हैं अपने वापसी रूम पे, वहाँ जाके फिर आगे का प्लान करेंगे कहाँ कहाँ जाना है। अभी हम हैं अमरापर गांव में, विलेज में, और यहाँ पे हमें मिले हैं मिस्टर फिरोज, जो कि नेचर गाइड का काम करते हैं। उनकी पूरी फैमिली, उनके फादर, उनका भाई, सब नेचर गाइड का काम करते हैं। हम उनके घर पे रुके हुए हैं, ये नेचर गाइड का काम करते हैं। अगर आप धोलावीरा आएँ तो मिस्टर फिरोज से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, वो आपको पूरा गाइड करेंगे यहाँ पे घुमाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं फिरोज के घर जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम डायनासोर की बोन फॉसिल देखेंगे। डायनासोर यहाँ बैठा है, ये देखिए ये डायनासोर की बोन, टीथ है, अभी किसका है पता नहीं, माइक को फीचर के बाद पता। ये दांत है, ये देखिए, तो ये सारी बोन्स हैं डायनासोर की जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पे। ये सिर्फ एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया पे ही आप देख पाएंगे डायनासोर के फॉसिल। और ये दांत देख लीजिए, दांत डायनासोर का, डायनासोर का है किसका ये नहीं पता, लेकिन है किसी भी। तुम भी उस युग में डायनासोर। ये देखिए डायनासोर के सारे फॉसिल्स हैं ये डायनासोर के। हाँ, तो ये दांत है डायनासोर का है या किसका है देखिए, बहुत बढ़िया, सब पत्थर बन चुका है, ये जितनी भी बोन्स हैं सब पत्थर में कन्वर्ट हो चुके हैं क्योंकि हजारों करोड़ों साल पुरानी है ये फॉसिल सारा। तो फिरोज भाई के पास बहुत ही शानदार कलेक्शन है, आप यहाँ पे आके सब देख सकते हैं और पूरा गाइड करेंगे, नेचर गाइड हैं पूरा, जहाँ जहाँ धोलावीरा में जो जो चीज़ देखने की है वो आपको दिखाएंगे। अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, वो भी ब्रेकफास्ट करिए। तो ब्रेकफास्ट में ये है पोहा, पापड़ हैं, और इनको कहते हैं तली हुई रोटी, जो हम परांठा बोलते हैं तली हुई रोटी, और चाय। तो ये यहाँ का लोकल ब्रेकफास्ट है, तो हम लोकल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो गाइस हम निकल पड़े हैं धोलावीरा को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे एक हिल स्टेशन है जो कि धोलावीरा से लगभग 35-40 किलोमीटर पहले पड़ता है। और अभी हम थे अमरापर विलेज में और हमारा स्टे यहीं था जो कि धोलावीरा से 30 किलोमीटर पहले है। अभी हम दिखाएंगे आपको यहां का हिल स्टेशन और वहां से पूरा कच्छ का रन नज़र आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, वहां पे बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं
तो अभी चल रहे हैं हम। तो गाइस देखिए, हमें सभ्य साची भाई एक बार फिर हमें मिल गए हैं। पहले हमें मिले थे जयपुर में और अब मिले यहाँ पर धोलावीरा में। बहुत ही दुनिया कितनी छोटी लगती है। और एक ही दिन में हम दो बार मिल चुके हैं। एक फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चौबालू और इसी तरह रेत पे चलेंगे अभी हम। अभी फुल ऑफ रोडिंग हो रही है और ये पत्थरों के रास्ते, कभी मिट्टी, कभी पत्थर, कभी झाड़ियाँ, इनके बीच से होके निकल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है और आई होप कि आपको भी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। आप मेरी नज़र से देख रहे हैं ये सारा व्यू, ये सारा हमारा सफ़र गुजरात राइड 2020 को। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना। ओह वाह 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 वाह। तो गाइस गाइस गाइस, दोस्तों प्लीज़ दिल थाम के बैठिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार नज़ारा। और ये देखिए नज़ारा। हम एक पहाड़ी पे खड़े हुए हैं और सामने ये झील है, रन झील। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, ऐसे लग रहा है एक समंदर का हिस्सा। पीछे पूरा वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल साल्ट लेक है। और रात के समय जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो पूरा एकदम चमकता है चांदी की तरह ये पूरा। तो गाइस बहुत ही शानदार नज़ारा है मेरे सामने, आप यहाँ पे आके देखिए तभी आप बिलीव करेंगे ऐसा नज़ारा। भाई ये सारा फोटो एडिटेड है, पीछे एक बहुत बड़ा ये भाई भी एडिटेड है। ये देखो ये भाई भी एडिटेड है, तो मैं ये बता रहा हूं, ये भी एडिटेड है। एक तो मेरे को वीडियो बॉम्ब करना है। और ये कुछ भाई आए हैं लोकल, क्या नाम है भाई आपका? हितेश। तो ये हितेश भाई हैं, रोपड़ से आए हैं, रापर रापर से आए हैं। जो पीछे कुछ कितने किलोमीटर हुए था, 20 कितना, 60 किलोमीटर है। और ये भाई लोग आए हैं तो अपना अपना नाम बताएंगे भाई अपना। मेरा नाम महेश है। महेश आपका? प्रवीण भाई है। आप? भरत भाई। ये सब भाई आए हैं अपना क्लिप के लिए, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो इनसे मिलके बहुत हमें खुशी हुई। हमारे चैनल है एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया, ठीक है, यूट्यूब चैनल है। ये देखो भाई एक्सट्रीम, देखो एक्सट्रीम तो कर ही रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो सकता। देखो क्लिफ है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे कुछ नहीं है और नीचे कुछ नहीं है, नीचे सीधा बीच तक खाई है। एंड दिस पर्सन इज डूइंग एक्सट्रीम एडवेंचर, ही इज एक्सट्रीम नो डाउट। तो अमित भाई, हाय गाइस, हाउ यू फील? एक्सट्रीम विद एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया भाई, एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया के साथ एक्सट्रीम ही होते चीजें। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच। समुंदर की फील आ रही है सामने की, सी है, देखिए सामने लग रहा है जैसे सी है, सामने लहरें हैं, जबकि ये नमक है, ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है ये नमक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है धोलावीरा का, हम जाएंगे धोलावीरा, वहाँ फॉसिल पार्क है, हड़प्पा संस्कृति सभ्यता जो कि लुप्त हो गई थी 4,500 साल पहले, तो उसके अवशेष हैं, एक सिटी थी वहाँ पे, तो उसको अभी आपको दिखाएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लगभग 12 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं धोलावीरा, जो हमारे अमरापुर से लगभग 30 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं हड़प्पा की सभ्यता, लगभग 4,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन के आपको वहाँ पे अवशेष बचे हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में एक फॉसिल पार्क है डायनासोर के समय में की, कुछ वहाँ पे भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर आपको सीधे मिलेंगे धोलावीरा में।
भी ये एंट्री गेट है हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए, जो भी यहाँ पे अवशेष बचे हुए हैं। तो हम एंटर कर रहे हैं और ये सामने आप जो भी ये देख पा रहे हैं अवशेष, ये 4,500 साल पुराने हड़प्पा सिविलाइजेशन के अवशेष हैं। आज के समय आप गांव में चले जाओ, कच्चे मकान मिलेंगे, लेकिन 4,500 साल पहले यहाँ पे पक्के मकान होते थे। तो कितनी डेवलप सिटी थी ये, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते थे। ये आप जो देख रहे हैं ये है वाटर टैंक, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की उनके रहने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए एक बहुत ही बड़ा वाटर टैंक बनाया गया था। इस तरह के कई वाटर टैंक बनाए गए थे। उस समय मनसर नदी और मनहर नदी दो नदियां बहती थी और उसी के वाटर को रिस्टोर किया जाता था मानसून सीजन में। तो मानसून जब आता था तो उसके पानी को रिस्टोर कर लिया जाता है। ऐसे मतलब कि यहाँ कई टैंक थे, वाटर टैंक, तभी पूरी सिटी का काम चलता था। बिना पानी के कोई भी सिटी जिंदा नहीं रह सकती थी। ये एक और स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज। पहले मैंने एक साथ में एक बड़ा वाटर स्टोरेज है और ये एक छोटा वाटर स्टोरेज है। इस तरह बहुत सारे वाटर स्टोरेज थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये दीवार देख रहे हैं, ये 4,500 साल पुरानी दीवार है। ये पत्थर जो है, यू कांट बिलीव, ये 4,500 साल पहले दीवार बनी थी। और अब हम ऊपर चलेंगे, अंदर सिटी के अंदर चलते हैं, उसके परली तरफ मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है नाली, ये यहाँ से पानी आता था। ये उस समय की 4,500 साल पहले ऐसी नालियाँ बनाते थे। ये देखिए क्या इनकी टेक्नोलॉजी थी, क्या टेक्नोलॉजी है, मानना पड़ेगा यार। सिटी में एंटर करने के लिए ये गेट नंबर 1 है और टोटल 7 गेट हैं सिटी के अंदर जाने के लिए। तो ये फर्स्ट गेट है, मैं एंटर कर रहा हूँ सिटी के अंदर। ये देखिए, बिलीव नहीं करेंगे कि हम 4,500 साल पुरानी सिटी में एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, और ये सारे पत्थर, ये दीवारें। अभी हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं इसके बाद। वाओ, तो ये पूरी सिटी आपको दिखाई देगी जैसे ही आप ऊपर आते हैं। 1,000 हेक्टेयर में ये सिटी बसी हुई थी और बाउंड्री के अंदर सिटी बसी हुई थी। इसके अंदर दो तरह की कॉलोनीज थी, एक छोटी कॉलोनी, एक बड़ी कॉलोनी। और इसमें एक प्लेग्राउंड था जहाँ पे गेम्स होती थी, सब कुछ होता था। और बहुत ही मतलब कि डेवलप्ड सिटी थी, क्योंकि देखो आज के समय में किसी भी गांव में चले जाओ वहाँ पे कच्चे मकान मिलेंगे, गारे के मकान मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ईंटों के मकान बने हुए थे। तो 4,500 साल पहले अगर ईंट के मकान बन रहे हैं तो कितने एडवांस थे ये। और इसके अलावा यहाँ पे सीवरेज व्यवस्था थी, पानी के स्टोरेज की व्यवस्था थी, पानी नालियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। तो कितने डेवलप थे ये लोग। घर के रूम में एंटर कर रहा हूँ, जैसे ये एंट्री हो गई है हमारी। और उसके अलावा फिर हम दूसरे कमरे में चले गए और फिर ये एक कमरा यहाँ पे है, एक कमरा यहाँ पे है। अब हम आइडिया ही लगा सकते थे इस तरह का है। ये हट की जगह बनी हुई है, यहाँ पे हट होगी, वीआईपी के लिए हट थी उस समय। ये देखिए थर्ड एंट्री पॉइंट है, इस तरह से एंट्री पॉइंट होते थे ये यहाँ से ये सिटी के अंदर एंटर हो जाते थे। और ये फिर यहाँ पे दुकानें होती थी, मकान होते थे, इस तरह सारी सिटी को डेवलप किया गया था। जो आप देख रहे हैं ये है प्लेग्राउंड, हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये प्लेग्राउंड था। यहाँ पे तरह तरह के खेल होते थे। तो ये स्टेडियम टाइप है, ये चारों तरफ लोग बैठ के यहाँ पे गेम का मज़ा लेते थे। गाइस, अब भी हमने कर लिया एक्सप्लोर हड़प्पा सिविलाइजेशन को। मुझे तो बहुत ही शानदार मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। एक पुरानी सभ्यता को देखिए, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, उनकी जो इंजीनियरिंग थी, हाइड्रो इंजीनियरिंग थी, वो पानी कैसे ले जाते थे, पानी कैसे स्टोर करते थे, और बहुत अमेजिंग था। देखिए स्टेप्स कैसे बनाए हुए हैं, हर चीज़। मतलब कि मेट्रोपॉलिस सिटी थी,
जो कि आज के ज़माने की हमारे बॉम्बे कलकत्ता के हिसाब से सिटी बनी हुई थी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इसमें, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये है आर्कोलॉजिकल म्यूजियम धोलाहार। जो भी सामान वहाँ पे खुदाई के दौरान मैं मिला है, मटके वगैरह, वहाँ के खाने पीने के कोई भी बर्तन थे, तो यहाँ पे रखे गए हैं। तो हम देखते हैं अब अंदर जाके। अभी हम पहुंच गए हैं फॉसिल पार्क, और ये जहां पे हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने देखा था धोलावीरा, वहां से 8 किलोमीटर आगे है। तो ये देखिए वो लेक है, ये एक कच्छ लेक है जो हमने पहले भी देखी थी, और लुक्स लाइक एक जैसे सी का फील आता है कि जैसे समुंदर आप देखते हैं वैसे ही फील आ रही है, बिल्कुल जैसे कि हम सी के सामने खड़े हैं। और ये सामने एक फॉसिल पार्क बनाया गया है स्पेशल, और ये डायनासोर के समय के कुछ फॉसिल्स हैं यहाँ पे जो पत्थर में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हजारों लाखों साल पहले यहाँ पे डायनासोर रहते होंगे या उनके कोई भी जीव थे उसके साथ के, तो वो सब पत्थर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो यहाँ पे रखे गए हैं देखने के लिए। तो अब हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे फॉसिल पार्क में। तो ये फॉसिल पार्क का गेट है जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हो रहा है, अभी काम चल ही रहा है इसका। मैं दिखा देता हूँ, ये सामने देखिए ये सब अभी काम चल रहा है। तो गाइस ये फॉसिल के रूप में कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ आइटम्स हैं। ये कहा जाता है कि हजारों साल, ये कोई पेड़ है जिसको पत्थर में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी पेड़ का कोई तना है जो पत्थर में कन्वर्ट हो चुका है, ये देखिए ये सीप और पत्थर में कन्वर्ट हो चुकी है, ये हजारों सालों में होता है ये प्रोसेस कंप्लीट। ये देखिए सीप, ये भी कोई जीव है, ये देखिए ये कोई जीव है जो पत्थर में कन्वर्ट हो चुका है, ये आई थिंक स्टार फिश लग रही है। तो इस तरह ये सारे फॉसिल रखे हुए हैं यहाँ पे जो पत्थर में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये देखिए ये भी कोई जीव है, ये भी। तो ये फॉसिल पार्क है और यहाँ पे इस टाइप की आइटमें रखी हुई हैं। तो गाइज ये आप नीचे पड़ा हुआ देख पा रहे हैं, ये है ट्री, पेड़ है ये डायनासोर के समय का जो कि पत्थर में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए नीचे इसके फॉसिल्स पड़े हुए हैं। तो ये एक ट्री था ये पूरा, और ये कहते हैं कि लाखों साल पुराना ट्री है और ये पत्थर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आगे चलते हैं, अभी अभी आगे दिखाते हैं आपको। जो अभी चट्टान देख रहे हैं ये भी कई हजारों साल पुरानी चट्टान है, और इसीलिए इसको संरक्षित किया गया है, चारों तरफ बाड़ लगा रखी है इसके अंदर, और ये हजारों साल पुरानी चट्टान है जो कि आपको फॉसिल पार्क में देखने को मिलेगी। ये देखिए फॉसिल पार्क में सिर्फ एक वो पेड़ है जो डायनासोर के समय का है, और इसके अलावा छोटे छोटे जो शोकेश में सामान रखा है वो भी कुछ जीव थे जो पत्थर में कन्वर्ट हो गए थे, और यहाँ पे और इससे अलावा यहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है, एक पार्क डेवलप किया जा रहा है बस। तो गाइस ये है कच्छ लेक, और ये अमित भाई पानी के अंदर गए हुए हैं अपने फोटोग्राफी करा रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कच्छ लेक है, और इसमें फ्लेमिंगो जो भी बर्ड्स हैं यहाँ पे आपको फ्लेमिंगो ही मिलेंगे। दो तरह की प्रजाति यहाँ पे आती हैं फ्लेमिंगो की कच्छ के लेक पे, और ये नमकीन खारे पानी की लेक है और फिश बहुत है। फ्लेमिंगो कैसे फ्लाई कर रहे हैं बिल्कुल लेक के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं फ्लेमिंगोस। तो बहुत ही खूबसूरत है ये फॉसिल पार्क, एक बार तो देखना बनता है। तो अब हम चलते हैं वापसी अपने, और फिर वहां जाके अभी लंच करेंगे घर पे, और फिर नेक्स्ट प्लान तय करते हैं कि आज स्टे करेंगे या जाएंगे अमरापुर में। तो मैं अभी ये पूरा रास्ता थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, जहाँ से हम आए थे जाओ एंट्री पॉइंट दिखा देता हूँ, और ये हड़प्पा से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है।
गाइस अभी मैं सनसेट देखने आया हूँ। धोलावीरा का सनसेट बहुत ही शानदार होता है। हमने मॉर्निंग में सनराइज देखा और अभी सनसेट देखने आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता पहुंच पाएंगे। सनसेट लगभग होने ही वाला है और हम लेट हो चुके हैं, जबकि हमें 15-20 मिनट पहले आना चाहिए था। फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं जितना सनसेट हो दिखा सकूं मैं आपको। तो गाइस ये देखिए, बिल्कुल सनसेट होता हुआ, बहुत ही छोटा सा पार्ट रह गया है सन का। और अभी हम हैं धोलावीरा में और धोलावीरा का सनसेट है ये। देखिए भाई, फिरोज भाई कैसे भाग भाग के हमें रास्ता दिखा रहे हैं। रात को दिखाई नहीं दे रहा था तो भाई कह रहा हम आगे चलते हैं, दौड़ते हैं बाइक से उतर के। भाई फिरोज भाई रास्ता दिखा रहे हैं हमें। आजा भाई बैठ जा, आजा, कोई नहीं बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, माफ करना हो थोड़ा, कोई नहीं कोई नहीं। कल रात को भी हमने पूरी ऑफ रोडिंग की इसी तरह से और आज भी पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है। कल थे हम लिटल रन ऑफ कच्छ में थे और आज भी रन ऑफ कच्छ। डिनर है हमारा हो चुका है, हमने डिनर कर लिया है। तो आज हमारा यहाँ डे 3 ख़त्म होता है। अब है धोलावीरा में और कल का मेरा प्रोग्राम है। कल हम जाएंगे अपना द्वारका, तो वहाँ पे फेमस टेंपल है द्वारका, वहाँ पे जाके हम दर्शन करेंगे। और उम्मीद है कि सुबह हम मोस्टली 6 o'clock हम निकल जाएंगे। हमने सुबह 5 बजे उठना है और 6 बजे किसी भी हालत में निकलना है। और कल हमारी राइड है 8 hours की राइड है, तो 3-4 बजे तक हम द्वारका पहुंच जाएंगे। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और मेरा कोई भी नया व्यूअर्स है तो आपको पता क्या करना है, सब्सक्राइब माय चैनल्स। भाई बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करें, कोई आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, भाई का मेहनत सफल हो जाएगी। तो एट लास्ट राइड हार्ड राइड से, वंदे मातरम एंड जय हिंद। कल मिलते हैं आपको डे 4 में।